रहे हैं ईएनएन भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिता। राजस्थान का मरुस्थल अपना अलबेला इतिहास, अपनी अनूठी पहचान लिए खास तौर पर प्रसिद्ध है। यहां का रिवाज और परिधान मन को मोह लेता है और इसी मरुस्थल में बसे बीकानेर की आज हम बात करेंगे। बीकानेर का पुराना नाम जांगल प्रदेश था। इसके संस्थापक राव बीकाजी थे। राजस्थान का बीकानेर अपने आप में काफी प्रसिद्ध शहर है। जूनागढ़ में जहाँ स्थापत्य कला का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, तो वहीं बीकानेर को मिठास के लिए भी जाना जाता है। स्वाद के दीवानों के शहर बीकानेर के रसगुल्ले और बीकानेरी नमकीन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। बीकानेर के जिप्सम और क्ले आज पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और यहाँ सभी धर्मों व जातियों के लोग शांति व सौहार्द के साथ रहते हैं, जो यहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। मरुस्थल की गोद में बसा ये शहर हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ लहराता रेत का समंदर लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गजनेर पैलेस की झील, नोखा में गुरु जम्बेश्वर की तपोभूमि, भांडसर जैन मंदिर जिसका शिल्प सौंदर्य देखते ही बनता है, बीकानेर में चूहों वाली देवी करणी माता का मंदिर भी लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। खैर, मैं आपको बीकानेर की फेमस चीजों के बारे में इतना ही बताऊंगी क्योंकि ये सब तो आपको गूगल बाबा भी बता देगा, पर इस वीडियो में जानकारी जो मैं आपको देने वाली हूँ वो आपको गूगल या कोई भी बाबा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको दूंगी पश्चिम बीकानेर विधानसभा के इस बार के चुनावी समीकरण की पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईएनएन भारत की टीम ने किया है राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं का इन्वेस्टिगेशन। सर्वे में हमने पश्चिम बीकानेर के 2 से 2500 लोगों से बात की, इसलिए हम आपको बताएंगे पश्चिम बीकानेर से इस बार कौन कौन और किस किस पार्टी से उम्मीदवार है या टिकट लेने की कोशिश कर रहा है, पश्चिम बीकानेर की जनता की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है और उन समस्याओं को विधायक ने दूर करने का प्रयास किया या नहीं, जनता ने अपने वर्तमान विधायक और राज्य सरकार को 10 में से कितने नंबर दिए हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि यहाँ की जनता इस बार राजस्थान में किसकी सरकार और किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। पहले बीकानेर की टॉप 5 कास्ट को देखते हैं। पहले नंबर पर 31.65% के साथ ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर 17.40% के साथ मुस्लिम है, तीसरे नंबर पर 14.12% के साथ वैश्य है, चौथे नंबर पर 4.85% के साथ स्वामी है, पांचवें नंबर पर 4.53% के साथ सुथार है। अब देखते हैं पश्चिम बीकानेर का पुराना रिजल्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के बुलाकी दास कल्ला ने बीजेपी के गोपाल कृष्ण जोशी को हराकर जीत दर्ज की है। बता दें कि गोपाल कृष्ण जोशी रिश्ते में बीडी कल्ला के जीजा लगते हैं, यानी साले ने जीजा को हराकर विधायक पद पाया था। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बीकानेर से इस बार कौन कौन उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस से बीडी कला, बीजेपी से गोकुल जोशी जो कि गोपाल कृष्ण जोशी के बेटे हैं, उनके अलावा विजय आचार्य, विजय मोहन जोशी, ब्रज मोहन जोशी और जेठाराम है। कांटे की टक्कर बीडी कला से गोकुल जोशी या ब्रज मोहन जोशी के होने की संभावना है। अगर गोकुल जोशी से होती है तो मुकाबला मामा और भांजे के बीच होगा। वहीं अगर इस बार भी कांग्रेस के गोपाल गहलोत कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़े तो इसका सीधा नुकसान बीडी कला और कांग्रेस को होगा। अब आपको बताते हैं बीडी कला के राज में पश्चिम बीकानेर में प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। पहली, साफ सफाई नहीं होने से गंदगी की बहुत समस्या है। दूसरी, नाले नहीं है इसलिए गंदे पानी के निकासी की समस्या। तीसरी, पीने के पानी की समस्या। चौथी और सबसे बड़ी समस्या रेलवे फाटक की है और इसके लिए जनता चाहती है कि पुल का निर्माण हो। फाटक की समस्या इस बार वहां पर चुनाव का मुद्दा भी है क्योंकि लोग इससे काफी परेशान हैं और लोगों का कहना है कि आपसी राजनीति के चलते काफी समय से ये समस्या बनी हुई है और अभी तक हल नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं राज्य सरकार और विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। जो समस्याएं और शिकायतें हैं पश्चिम बीकानेर के लोगों की, उसको देखते हुए मुझे तो बताते हुए भी अजीब लग रहा है। बीकानेर से राज्य सरकार और विधायक जी दोनों को जीरो से नवाजा गया है। वैसे भी जनता का गुस्सा जायज है भाई, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का विधायक, फिर भी विधानसभा का विकास नहीं हुआ। एक और बात है, बीकानेर की जनता को गहलोत जी का दोगलापन पसंद नहीं आ रहा कि सिर्फ जोधपुर का ही विकास करवाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार युवा नेता सीएम बने जिसे किसी एक शहर से नहीं पूरे राजस्थान से बराबर लगाव हो ताकि विकास पूरे राजस्थान का हो। पश्चिम बीकानेर से सीएम गहलोत के लिए काफी शिकायतें भी है। पहली मोहित ने की है और उनका कहना है कि अशोक गहलोत जोधपुर से है इसलिए जोधपुर के अलावा राजस्थान में कहीं और ज्यादा विकास नहीं करवाते, जिसके चलते हमारा बीकानेर तो काफी पीछे रह गया है। दूसरी पूनम चंद सुथार की है, जिनका कहना है सरकार झूठी घोषणाएं करती है, काम नहीं करवाती और बाद में झूठी तसल्ली भी देती है। तीसरी शिकायत नहीं सुझाव है जो दिया है शिव कुमार ने, पानी की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार को नहरों का कार्य करवाना चाहिए। राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके
रेलवे फाटक की समस्या का निवारण करने के लिए पुल बनाने का आदेश जारी करना चाहिए। पश्चिम बीकानेर से इतना ही, मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगी अगली विधानसभा और उसकी सारी जानकारियां। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ एएनएन भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। नमस्कार।